हेलो नमस्ते, थैंक यू। फ्रेंडशिप डे पे हमारे वहाँ पे मतलब बहुत पहले तक तो मुझे पता ही नहीं था कि फ्रेंडशिप डे करके डे होता है क्योंकि हम लोग खेलते ही रहते थे पूरा दिन, हमेशा ऐसा चॉकलेट डे, फ्रेंडशिप डे, टेडी बियर डे, ऐसा कुछ होता है, मुझे पता ही नहीं था ये सब। तो हम जब पता नहीं था तब भी खेलते थे, जब पता चला तब भी हम लोग खेल ही रहे थे। तो ऐसा कुछ ज़्यादा पार्टी वार्टी करना या बाहर जाना ऐसा कुछ होता नहीं था, बस ग्रीटिंग्स बनाना घर पे बैठ के, खेलना साथ में, यही होता था। फ्रेंडशिप डे में गांव में नदी में चले जाओ और तैरो वहाँ पे, यही हो सकता है। और बाकी खाने पीने का सामान ले जाते थे वहाँ पे, मुझे वहीं पे लंच कर लिया ऐसे ही जंगल के पास में, तो इस तरीके की चीज़ें। मैं अपना पूरा बचपन ही मिस करता हूँ। मैं सोचता था कि मैं बड़ा ही क्यों हुआ, और क्योंकि वो स्कूल वाला समय और वो जितने दोस्त उस समय में जो मेरे को बस में भी मिले होंगे अगर कोई, तो वो लोग भी मैं उनको भी याद करता हूँ कि वो क्या कहानी चलती होगी मेरी उस समय की। तो एक बचपन का पूरा दौर था, वो बहुत ज़्यादा याद आता है। वो दौर में जब ये सारी चीज़ें सोचते थे कि ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, वो उसी सोचने में ही अच्छा लगता था। मेरे दो बहुत करीब के दोस्त हैं, उनको बहुत मिस करती हूँ मैं, जो कि अभी अलग अलग कॉलेजेस में बहुत अच्छे से वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे वीडियो कॉल में बात होती रहती है, मैं मैसेज में बात होती रहती है बस, बाकी मिस तो करते ही हैं उनको बिल्कुल। सेट पे हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन आइडल में भी थे, कुछ लोग हमारे इंडियन आइडल से भी हैं सर लोग हमारे, तो वो सारी चीज़ें, वो टीमें, कैमरामैन हमारे बहुत ज़्यादा सारे पहचान वाले, मतलब सारे दोस्त हैं बहुत अच्छे हमारे। अरुणिता है साथ में, सलमान भाई हैं, साइली है, दानिश भाई हैं, हमारे जजेस, हमारे लेजेंड्स। तो उनको फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगा मैं, वो हमारे लेजेंड्स हैं, बट उनके साथ भी बातचीत होती रहती है। तो मैं चाहूँगा हम लोग सभी लोग साथ में मिल के मनाएं इस पर्व को, और बहुत अच्छे से ये हो। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि फ्रेंडशिप डे जब आएगा तब हम लोग, मैं ये चाहूँगी कि सेट पे हम लोग जितने लोग रहते हैं सब साथ में मिलके हम लोग उस मतलब वो डे को मनाएं, यही चाहूँगी कि सब लोग मिलके साथ में हम करें। सबसे पहले आप उठ के कौन सी चीज़ करते हैं? सबसे पहले मैं उठ के पूरे कमरे में घूमता हूँ, और उसके बाद पियानो दिखता है सामने में तो एक दो ट्यून बजा लेता हूँ, फिर बाकी चीज़ें होती हैं। और मैं नींद से तो एक्चुअली बहुत पहले उठ जाती हूँ, पर लेट ही रहती हूँ बहुत देर तक, उसके बाद लेटने के बाद उठ के और आधा घंटा बैठती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब काम करती हूँ। अभी आप दोनों क्या सोच रहे हैं? अभी क्या सोच रहे हैं? अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बारिश है बाहर, और मैं जल्दी से घर जाऊँ और कपड़े चेंज करूँ, और उसके बाद एक कंप्यूटर में बैठूं अपना और एक ट्यून बनाऊं बहुत बेहतरीन सी। अभी मैं क्या सोच रही हूँ? अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से, मैं भी यही सोच रही हूँ कि घर जाऊं और नहा लूं क्योंकि मैंने कल रात को बालों में तेल लगाया है, तो मैं नहाना चाहती हूँ अच्छे से, उसके बाद रेस्ट करूँगी या फिर कुछ गाना वाना गाऊँगी। मैंने तो मूवी बचपन से बहुत कम ही देखा है, मुझे मूवीज बहुत मतलब कम पता है। मेरा फेवरेट है मार्वल के, थॉर हो गया, एवेंजर्स हो गई, मतलब जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे फेवरेट हैं। यस मी एकदम सेम सेम थॉर। बैड हैबिट मेरे को लगता है कि बहुत सारी होंगी, और लेकिन अपनी बैड हैबिट अपने आप को दिखाई नहीं देती हैं, तो कभी बहुत सारी होंगी, कोशिश करेंगे सुधार लाएं उनमें। मुझे भी ऐसे लगता है कि बहुत सारा होगा, पर अभी
एकदम से सोचना पड़ रहा है कि वो कौन सा है, वो जो एक चीज़ है वो कौन सा है, सोचूंगी उसके बारे में, आपने कहा तो उसके बारे में सोचूंगी और उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और इस इंटरव्यू के बाद क्या करने वाले हैं? घर मेरा तो रिकॉर्डिंग है, एक इनका भी रिकॉर्डिंग है रात को। हाँ, साथ में अभी पर मैं पहले जाके घर जाके नहाऊंगी, उसके बाद सब करूंगी। और रात को 8 बजे से एक और शूटिंग है, फिर 10 बजे से एक और है। हाँ मैम, कोई भी नहीं जो गांव में मैं फॉलो करता था कि धूल में भी घूमूं, तो वही स्किन केयर रूटीन हमारा फॉलो रहता है कि नॉर्मल रहना है जैसे है। मतलब इतना समय मेरे को लगता नहीं कि मैं उसमें क्या क्या लगाऊंगा, इसलिए बोला जैसे हो वैसे निकल जाओ घर से। मेरा कुछ नहीं, मेकअप निकाल के मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और बस तेल लगा ले जैसे कि आप देख रहे हैं। मतलब सिंसियर है, मुझे लगता है ये बहुत अपने गानों के हिसाब से, मतलब जब भी कुछ ट्यून आता है उसको एकदम से फाइन ट्यून कैसे करें और उसका सबसे बेहतरीन ट्यून कौन सा है वो उनको निकालने में निकालने का। अरुणिता के बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि एक तो ना कलाकार जबरदस्त होता है जब ना, तो फिर कुछ शब्द नहीं मिलते कि अच्छा कि क्या बुरा कह दूंगा मैं, क्योंकि वो है ही ऐसी, क्योंकि वो उनके व्यवहार में ही नहीं होगा तो वो गाएंगी गा ही नहीं पाएंगी वैसा, तो इसलिए लगता है कि कमाल का व्यवहार है इनका, कमाल की लड़की हैं और कमाल गाती हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं ऐसे लोगों का दोस्त, मतलब ऐसे लोग मेरे दोस्त हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तू जो रूठा तू कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। थैंक यू।